नेक्स्ट सवाल है दाऊद जावेद के साथ सा तरफ से ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज़ आल्सो आवर स्टूडेंट एंड ही हैज कंप्लीटेड हिज मेट्रिकुलेशन एंड ही इज़ ट्वेंटी टू ओल्ड वो कह रहे हैं सर करेंटली मैंने डीसीसीएस स्टार्ट किया है अल से मैं दस बजे से सात बजे तक जॉब करता हूं और स्टडी के साथ मेरे से अब जॉब नहीं हो रही या मैं जॉब छोड़ या आप कोई बता दें देखो ये नहीं लिखा कौन सी जॉब करते हो ये नहीं लिखा कि क्या है। दस से घर आ जाते हो तुम हमेशा सोने का टाइम निकालो ना तो अगर तुम रात को जल्दी सोते हो दस बजे तक नौ साढ़े नौ दस बजे ईशा की नमाज पढ़ी खाना वाना पहली मगरब के बाद खा लिया मगरब से पहले खाओ ज्यादा अच्छा है ठीक है ना लेकिन मगरब तक खाना खा लो ठीक है ना ताकि मग़रब शायस, इशा से पहले पहले वो अच्छा हजम हो जाए तुम्हारा ठीक है वॉक शॉक करनी जो भी करना है एक्सरसाइज करनी है लेकिन रात को जल्दी सो अगर तुम्हारी आदत बन गई जल्दी सोने की तो तुम्हें इसका बड़ा फायदा होगा तुम रात को दस बजे सोते हो साढ़े नौ दस बजे तक सो जाओ लाइट्स ऑफ पूरा पाकिस्तान इंडिया सब जाग रहे हैं तुम सो रहे हो इट डजेंट मैटर ठीक है ना दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पांच ये तुम्हारे पास गुड गुड तुम्हारे पास ये एट आवर्स की स्लीप है सेवन आवर्स की स्लीप है ठीक है ना पांच बजे तुम उठे, उठे अजानों का टाइम होता है तो मैंने अपनी नमाज पढ़ी तैयारी की अगर नमाज अजान नहीं हुई है दो रकात पढ़ लो तीन चार रकात पढ़ लो ठीक है ना उसके <laughs> बाद तुमने नफिल जब नमाज पढ़ ली सब कुछ कर लिया फजर की नमाज पढ़ी नाश्ता किया पढ़ने बैठ के In छ बजे भी पढ़ने बैठते हो छ सात आठ नौ तीन गुड तीन आवर्स वीकडेज में तुमको बता रहा हूं अगर तुम पांच दिन काम करते हो तो तुम्हारे पास तीन दिन तीन घंटे ही हो गए छ सात आठ नौ घर वालों को बोलो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ ये तुम्हारे पास तीन अच्छे घंटे हो गए नौ से दस तुम्हें दस बजे जॉब पे जाना है नौ बजे तुम तो घर से निकलोगे लेक्चर सुनते हुए जाओ अब तुम chapter, अब तुमने जो पढ़ना था कर लिया अब तुम सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो सिर्फ सुनने का काम कर रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, हो। ठीक है ना सुन रहे हो सुन रहे हो बस तुम सुनते हुए आ रहे हो ठीक है तो उसमें तुम्हें फायदा यह होगा काम पे बैठे हुए हो काम कर रहे हो सुन रहे हो अगर तुम्हें इजाजत है कुछ कान में डालने की कुछ करने की ठीक है ना छोटा सा ब्लूटूथ डाल दिया कुछ भी है ब्रेक टाइम में तुमने सुन लिया पढ़ लिया ब्रेक टाइम में तुमने थोड़ा नोट्स पढ़ लिए सब खाना खा रहे हैं तुम खाना भी खा रहे हो नोट्स भी पढ़ रहे हो तुम्हें अपने आप को एक जोन में लाना पड़ेगा जिसमें तुम मेहनत कर सको यू हैव टू बी इन दैट जोन अगर तुम उस जोन में नहीं हो तो तुम जिंदगी दुन, दुन, में कामयाब अगर आज अल्लाह ताला आसमान से पर्दे उठा दे और हमें नजर आ जाए कि फरिश्ते घूम रहे हैं चल रहे हैं कबर में सबके एक साथ क्या हो रहा है ठीक है ना तो सब लोग सचों से नहीं उठेंगे गिर जाएंगे सब सजता हूँ बिकॉज जब तक रियालिटी इंसान को नजर नहीं आती ना तब तक इंसान को खुश नहीं आता रियलिटी जब उसको हिट होती है जब वो बाहर जाता है या जब कोई चीज छोड़ देता कदर नहीं करता तो उसको हिट होती है कि यार अब मैं क्या करूंगा एम आई डू राइट अब मैं, मुझे क्या करना चाहिए सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सो तुम वहां पर तीन घंटे तुमने सुबह अच्छा बैठ के जबरदस्त पढ़ाई कर ली उसके बाद दौरान तुमने काम के दौरान तुमने सिर्फ सुना है और जगह तुम्हें टाइम मिल रहा है तो तुम पढ़ते हुए नजर आओ जब जहां बैठे हुए हो तुम्हें किताब पढ़ रहे हो तुमने वहां पर ऑफिस में बैठे किताब पढ़ किताब पढ़ रहे ठीक है भाई ठीक है जी ठीक है अच्छा और क्या है अच्छा ये जबरदस्त ठीक है यानी कि तुम बैठ के किताब पढ़ रहे हो ठीक है ना तुम कुछ छोड़ नहीं रहे टाइम जाए नहीं कर रहे लोग गप्पे मार रहे हैं चाय पी रहे हैं फिल्मों की बातें कर रहे हैं गानों की बातें कर रहे हैं इधर उधर सब तुम कह अपने आप को आइसोलेट कर दी दिस इज हाउ दर फोकस्ड इन देर दीन एंड इन देयर लाइफ वट वी आर फोकस्ड ऑन इज नॉट इन लाइफ नॉट ऑन अवर दीन वी आर फोकस्ड ऑन थिंग्स विच आर टोटली फ्यू टाइम जो बिल्कुल बेकार है पड़े ठीक है ना दैट्स द प्रॉब्लम सो जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता ठीक है सो तुम्हारे पास वीक डेज में तुमने तीन घंटे की अच्छी बैठ के वॉच किया प्रैक्टिस की प्रैक्टिकल तुमने सार सुबह काम कर लिया थ्रू आउट द डे तुमने सिर्फ लेक्चर सुने सुन लिया वो कर लिया और इसके बाद जब तुम घर आए सात बजे आठ बजे तक घर आए तो तुमने कहा यार मेरे पास थोड़ा सा टाइम है नमाज वगैरह पढ़ी खाना वगैरह अगर तुम जल्दी खा सकते हो वहीं पर ही खाना लेके जाओ बोलो यार मैं वहीं पर खाना खा लू ठीक है ना जो भी घर का खाना खाना बाहर का नहीं खाना फैजान लड़का जो आया था ना ऑटो वजन बढ़ गया उसने कहा घर बाहर से खाना खाता रहता हूँ फैसल भाई गोल्ड मेडलिस्ट लड़का डोर टू डोर सेल्स मैन का, का काम कर रहा है मेरा दिल बड़ा खराब हुआ मैंने कहा यार लेकिन मैंने सरप्राइज बट देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ ठीक है सो द पॉइंट तुमको जो मैंने रास्ता बताया उसके बाद तुमने यानी कि तीन घंटे तुम रोजाना तीन चार पांच घंटे तुम, पढ़ रहे, तीन तुम, तुम से पढ़ रहे हो दो घंटे तुम सुन रहे हो और रीडिंग कर रहे हो काम पर घर आकर खाना वाना खा के एक्सरसाइज करके थोड़ा सा लाइट स्नैक करके ठीक है सो जाओ दोबारा नमाज पढ़ के फिर दोबारा वही अपना स्केड्यूल चलाओ अगर तुम इस पे वीक डेज में चलते हो यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो भी तुम्हारा काम है सैटरडे संडे की छुट्टी है या मंडे टू सैटरडे काम करते हो तो तुम अगर पांच दिन तुम्हारे वर्किंग डे है तो तुम्हारे पास पंद्रह से तीन घंटे तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन वाले घंटे दो घंटे तुम्हारे वो हैं दस घंटे यानी तुम्हारे पास पच्चीस घंटे तुम्हें मिलेंगे वीकेंड्स में जिस दिन छुट्टी है उस दिन तुम बैठ कर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो अब अगर सैटरडे संडे छुट्टी है तो दो दिन तुमने एक्स्ट्रा पढ़ना है सुबह फजर से बैठ गए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो जोर तक असर तक

जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो अगर तुम्हें समझ आ जाए तो समझ आएगी तुम्हें साहब की जिंदगी में सारी किताबें किताबें सारी इस्लामिक तुम्हें साहब की जिंदगी पढ़नी है दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू फाइंड अ लॉट ठीक है ना जिसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी ठीक है so, सो ही मेरा रिकमेंडेशन है वीक डेज में यानी तुम्हारे पास ना पंद्रह घंटे कॉन्सेंट्रेशन वाले और दस घंटे वो पच्चीस घंटे यहां पर हो गए वीकेंड्स में तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो तुम उसमें दस दस घंटे तक आठ घंटे तक जाओ सुबह छह बजे से बैठ जाओ नमाज के बाद खाने के बाद पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो अपना ब्रेक भी लो हर ब्रेक थोड़ा सा ब्रेक भी लो हर ठीक है ना हर चालीस मिनट के बाद मैं दस मिनट का ब्रेक लेता हूँ आई डू दैट ठीक है ना तुमने तो छोटा सा ब्रेक लिया जो भी करना है करो बट दैट विल हेल्प यू एंड यू कैन इजली रेक इन थर्टी टू फोर्टी आवर्स यू विल बी सरप्राइज यार मैं तो चालीस पचास घंटे बैठ के पढ़ भी रहा हूँ काम भी कर रहा हूँ काम मत छोड़ो क्योंकि उसमें जो भी तनख्वाह आ रही है जिस तरह से भी है उसमें तुम्हारा माइंड ऑक्यूपाइड है सो दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेशन अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और तुम कहते हो कि यार नहीं मैं अब ये सब मेरे पास पैसे हैं सेविंग्स हैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा करो तो फिर ये सोच लो कि तुम फिर रास्ते सारे जला कर आ रहे हो देहांटर दैटल फील ठीक है ना दे हैड वन ऑब्जेक्टिव इन माइंड दैट दे विल गेट मैदान जंग में उतर गए पीछे नहीं जाना सीधा आगे जाकर खत्म करना इसलिए इस्लाम में अल्लाह ताला कयामत के दिन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जो बैटल फील्ड छोड़ के चले जाते यानी कि कमर दिखा के भागना इस्लाम में हराम है टोटली अन फॉर इट्सिवन अल्लाह ताफ़ ही नहीं करेंगे जो बैटल फील्ड छोड़ के भागे गए ट्रैक्टिकल रिट्रीट, रिट्रीट एक अलग चीज़ है क्या पीछे से घूम कर आए अगले दिन से क्या दोबारा मारेंगे करेंगे वो करेंगे ठीक है ना लेकिन ये नहीं कि आगे दस लाख की फौज है और तुम सिर्फ पांच हजार लोग हो तुम्हें फिर भी घुसना है फिर भी घुसना है मुस्लिम्स को जो है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है सो यू ऑलरेडी नो कि तुमने तुम्हारे पास टाइम कम है सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड मैनेज योर सेल्फ दई कैन गिव इट टू यू बिकॉज एग्जैक्टली वे फॉलो